आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के तीसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई है। धमदाहा अनुमंडल अंतर्गत आने वाले दो विधानसभा में कुल 37 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दर्ज कराया है, जिसमें धमदाहा विधानसभा से 21 जबकि रुपौली विधानसभा से 18 उम्मीदवार ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। रुपौली विधानसभा से नीतीश कैबिनेट के मंत्री बीमा भारती ने भी पर्चा दाखिल किया है। इनके अलावा नामांकन के अंतिम दिन नामांकन करने वाले प्रमुख प्रत्याशियों में धमदाहा से लोजपा की योगी साह एवं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर बीके ठाकुर और मीरान शाह हैं, तो वहीं रुपौली विधानसभा से प्रमुख रूप से पूर्व राजद के बागी नेता कलाधर मंडल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। ना पहले से घूम ही रहे हैं और फिर से घूमेंगे क्षेत्र में, जनता के बीच जाएंगे। लगातार 4 बार आप विजयी रहे हैं, इस बार 5वीं पारी आप खेल रहे हैं, इसमें क्या खास इस बार करेंगे आप क्षेत्र के लिए ताकि हमारा रुपौली के जनता ने एक बार नहीं चौथा बार जिता करके विधानसभा घेरने का काम किया है। इस बार भी जो है मुझे उम्मीद है, विश्वास भी है कि रुपौली के जनता मुझे आशीर्वाद देंगे, क्योंकि रुपौली में काम किए हैं और जो भी काम बचा हुआ है उसको पूरा करेंगे। आप बिहार की 2 बार मंत्री भी रह चुकी हैं और आपके इलाके में कटाव बड़ी समस्या है, आपको लेके क्या सलूशन मिला? कटाव के लिए हम विभागीय माननीय मंत्री जी से लिखित रूप से दिए हैं कटाव रोकने के लिए और उसमें काम जारी है। जीत को लेकर कितने आश्वस्त दिख रही हैं आप? जीत के लिए पूरा श्योर है, कोई जो है कि कंतु परंतु नहीं है और कोई भी मेरा जो है कि विपक्ष में लगी नहीं रहा कि कोई है और हम जीतेंगे। विपक्ष के शंकर सिंह यहाँ पर कैंडिडेट के तौर पे आए, कोई भी रहे लड़ने के लिए सभी को अधिकार है, सब अपना अपना चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारे टक्कर में कोई नहीं। आप अपना मुख्य प्रतिद्वंदी किन को मानते हैं? हम किसी को नहीं मानते हैं। सेटों में चुनाव अभी तो एक सेट में किए, फिर कल जो है कि एक सेट से कि बैनर कोई माने नहीं रखता है। मैं ये जानता हूं कि सिंबल कोई माने नहीं रखता है, इंसान की इंसानियत और इंसान का ऊपर वाले पे पूरा भरोसा माने रखता है। जिसको जनता चाहेगी उसको वोट मिलेगा। मेरा घर धमदाहा, ऐसे मैं धमदाहा मध्य का मुखिया भी हूं, यही मेरा परिचय है। जी, राजनीति में प्रवेश करने की इच्छा कैसे जगी? परिवर्तन संसार का नियम है और इस परिवर्तन को देखते हुए ये जो लगभग 30 साल की परिस्थिति है जो हमारे धमदाहा विधानसभा की जनता बराबर देखते हुए आ रहे हैं और उनसे त्रस्त है, कहीं न कहीं हमारे विधानसभा के जितने भी जनता है सब कहीं न कहीं त्रस्त है और उनका ये रूप देख करके इच्छा हुई मैं राजनीति में आऊँ और अपने विधानसभा को आगे ले जाने का प्रयास करो। जी बिल्कुल, आप अगर अपनी जनता से कुछ कहना चाहेंगे तो एक शॉट में क्या कहना चाहेंगे? परिवर्तन संसार का नियम है, विकल्प जो है वो डॉक्टर बीके ठाकुर है। यदि आप विधानसभा तक पहुंचते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता अपनी जनता के लिए क्या होगी? हर एक मोहल्ला का विकास। जैसे देखिए, हर एक मोहल्ला मैंने जो है लगभग कंटिन्यूड हमारे विधानसभा में जितने मोहल्ला हैं मैं लगभग सब जगह भ्रमण किया और मैं ये इस चीज़ को महसूस किया जो हर एक मोहल्ला में अपनी अपनी समस्या है और उस समस्या का निजात जो है जब तक नहीं होगा तब तक उसको वास्तविक विकास आप नहीं कह सकते, इसलिए हर एक मोहल्ला का विकास करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। क्या नाम हुआ आपका और आप कहां से प्रत्याशी हो रहे हैं, किस पार्टी से हो रहे हैं? मैं प्रत्याशी के रूप में अभय सिंह और मैं स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में रुपौली 60 विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशित हुआ हूं। अच्छा, रुपौली विधानसभा के जो वोटर्स वो आपको क्यों वोट करें, आपके पास क्या विजन है उनके लिए? मेरे पास विजन है कि माई फुल नेम इज डॉक्टर अभय कुमार सिंह, मैं बिहार का लेखक हूँ SCRT का और आप मेरा नाम अंग्रेजी की 9th, 10th, 11th, 12th की किताबों में देख सकते हैं, डॉक्टर अभय कुमार सिंह मैं ही हूँ।
मैंने सेवा दिया है हाई स्कूल, प्लस टू, कॉलेज, बहुत सारे पदों को मैंने सुशोभित किया और बेसिकली आई एम ए टीचर, बेसिकली आई एम ए इंग्लिश टीचर और मेरे हजारों छात्र एम्प्लॉयड हैं। और मेरे मन में ये मनसा आई जो बड़ा विचित्र सा आप सभी, मैं समझता हूँ ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद के खानदान के लोग सारे आदमी खड़े हैं यहाँ पर। पहला लक्ष्य है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, क्योंकि प्रखंड कार्यालय में और ग्राम पंचायती राज निकायों में जो भ्रष्टाचार है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई जाती हैं सरकार के द्वारा, उसको ज़मीन पर उतारा नहीं जाता अच्छे तरीके से, जिसके कारण दिन ब दिन हम लोग नई योजनाओं की घोषणा करवा सरकार रोज करती है। चुनावों में नेता वादा करते हैं कि हम कुछ और नई योजना लाएंगे गरीबों के लिए, लेकिन गरीबों का उससे भला नहीं होता है। नई नई योजनाओं के आने से सरकारी खजाने से पैसा निकलता है और सरकार उन खजाने की पूर्ति के लिए महंगाई बढ़ाती है, यानी जनता पर दोहरी मार पड़ती है। अगर भ्रष्टाचार का समाधान होगा तो ये दोहरी मार जो है जनता पर पड़ती है वो बंद हो जाएगी। किस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं? धंधा विधानसभा। निर्दलीय। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार यादव। योजनाएं हैं उनको एक्सेस करवाने में मैंने लोगों की काफ़ी हद तक मदद की है। कोरोना काल में भी जो भी मुझसे बन पड़ा, जहां तक मेरे अंदर सामर्थ्य था, मैंने उस स्तर पे मैंने लोगों को मदद पहुंचाया है। शुक्रिया आप लोगों का। जोर से बोलिए। भारतीय राष्ट्रीय लोकमत पार्टी से जी। मेरा नाम विमल राय हुआ, हमने अभी नामांकन दाखिल किया है जी। आपका सामाजिक जीवन में क्या परिचय है? मेरा सामाजिक जीवन में छात्र जीवन से ही छात्र युवाओं के लिए संघर्ष करते रहा जी, और अभी जो यूथ की बेरोजगारी, इन सब मुद्दों के लिए। क्या वजह है जो आप राजनीति में आ गए? अब नए पीढ़ी, नए जनरेशन को आना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तभी तो गलत लोग का पलायन होगा, नहीं तो राजनीति में गलत लोग आ रहे हैं और अच्छे लोगों का पलायन हो रहा है। इसको बचाने के लिए फ्रेश आदमी को आना चाहिए जी। कहा जाता है कि राजनीति जो है वो काजल की कोठरी है और कोई भी जो भी इसमें प्रवेश किया है वो बेदाग नहीं रहा है, ऐसे में आप क्या कहेंगे? ऐसे काजल की कोठरी में अच्छे अच्छे लोग भी रहे हैं, इसी काजल की कोठरी से अच्छे लोग भी निकले हैं, एक से एक हमारे महान नेता हुए हैं देश में। जमा कौन सा विधानसभा से? 60 रोपली विधानसभा क्षेत्र। किस पार्टी से हैं? राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी का मैं प्रदेश महासचिव हूँ बिहार का। नामांकन करने का क्या एजेंडा है आपका? इसलिए कि रुपोली विधानसभा क्षेत्र के अंदर में जो परेशानियां हैं, बेरोजगारी है, सड़क नाले नहीं है सही तरीके से बने हुए, स्कूल का हालत बहुत खस्ता हालत है, आज से 15-20 साल पीछे चले गए स्कूल की हालत। ब्रजेंद्र पोद्दार हुआ। कौन सा विधानसभा से आप? रुपोली विधानसभा से। किस पार्टी से? भाजपा से। बहुजन समाज पार्टी। जीत कर जाएंगे तो विकास का काम होगा, स्वास्थ्य के विषय में सोचेंगे, जो स्वास्थ्य में लोगों का पैसा जो खर्चा होता है, गरीब आदमी और गरीबी के दलदल में चलता जा रहा है, स्वास्थ्य जो है बिल्कुल फ्री होगा, कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, बड़ा से बड़ा इलाज हो, कुछ भी हो, उसमें स्वास्थ्य जो है बिल्कुल फ्री किया जाएगा, कहीं भी उसमें कोई कार्ड की जरूरत नहीं है, ऐसा व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। और मजदूरों के लिए विकास का कार्य बहुत रह गया है और अपराध बहुत बढ़ता जा रहा है, इस पर हम गौर करते हैं और सब अपराध जो है अपराध मुक्त करेंगे और विकास जो है बहुत बाकी है अभी, यही सब जो विकास है। स्वास्थ्य के बारे में किसी का ध्यान नहीं है, हॉस्पिटल में जो है लागत 100-100 करोड़, 500 करोड़ का लगाया हुआ है, वो हॉस्पिटल में किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है। आपने किस विधानसभा से नामांकन किया और कौन सी पार्टी से आप कर रहे हैं नामांकन? पीपुल्स पार्टी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, धमदाहा विधानसभा 61। अच्छा, क्या मुद्दे होंगे आपके अगर आप चुनाव जीतते हैं तो धमदाहा विधानसभा के लिए क्या कीजिएगा? हमारा जो है उद्देश्य यही है